जनरेशन जेन जीज बूढ़े होते जा रहे। यस, जरा इन वीडियोस को देखो। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी जो हमें लगता है कि बुढ़ापे में आती है, आज वो 15-16 साल के बच्चों में कॉमन होती जा रही है। Have you noticed how so many young people are dying of heart attacks? Young men and women dying. Heart attacks in youngsters have become increasingly common. Why heart attacks are suddenly claiming young lives? दूसरी बात, पोस्चर। जेन ज़ीज़ का पोस्चर बूढ़े लोगों की तरह हंच्ड बैक होते जा रहा है। ये है एक हेल्दी बच्चे का स्पाइन पोस्चर और ये है एक बूढ़े आदमी का पोस्चर। लेकिन अब इसे इन बच्चों के एक्सरे से कंपेयर करो जो 2002, 2003, 2001 में पैदा हुए हैं। We've got going forward as well. 2002 again. Another one. Going forward. Date of birth 2003. Going forward. What do we got? 2001. इसके अलावा बॉडी पेन, बच्चों में हो रहे इन पोस्चर डिफेक्ट्स को देखकर एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें इंडिया के 18 स्टेट से 10,000 बच्चों को स्टडी किया गया। इस रिसर्च में पता चला कि पोस्चर डिफेक्ट्स के साथ साथ कमर में दर्द होना, नेक पेन, जो नॉर्मली ह्यूमंस अपने 60s, 70s या चलो 50s में फेस करते हैं, आज ये सारी चीजें जेन ज़ीज़ टीनेज में फेस करते जा रहे हैं। तीसरी बात, प्यूबर्टी। 2014 के एक सर्वे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व की गई। इंडिया के अर्बन एरियाज में 80% जेन ज़ीज़ गर्ल्स 11 इयर्स की एज में ही प्यूबर्टी रीच कर रही थी, जो उस वक्त के नॉर्मल प्यूबर्टी रीचिंग एज से 2 साल जल्दी था। इसका बेसिकली मतलब है आजकल बच्चों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जल्दी डेवलप हो रहे हैं, यानी लड़कियों में पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं, उनके ब्रेस्ट जल्दी ग्रो हो जाते हैं। बेसिकली लड़कियों में मैच्योर वुमेन की फीचर्स जल्दी देखने मिलते हैं, और अगर लड़कों की बात करें तो उनमें फेशियल हेयर, उनका वॉइस हैवी हो जाना, ये सारे चेंजेस भी लड़कों में आजकल जल्दी हो रहे हैं। चौथा प्रूफ, इंडियन जेन ज़ीज़ मेंटली डिस्टर्ब जनरेशन हो चुकी है। यूनिसेफ ने 2021 में इंडियन जेन ज़ीज़ को लेकर एक रिपोर्ट इशू किया था, उसमें उन्होंने क्लियरली वार्न किया कि 15 से 25 साल के बीच वाले 14% इंडियन बच्चे, यानी हर 7 में से एक बच्चा डिप्रेशन या कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू फेस कर रहा है, मेंटली अनस्टेबल है। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट प्रूफ, आजकल बच्चे कॉलेज जाने की उम्र में ही बॉल्ड होते जा रहे हैं। आज ये प्रॉब्लम इस हद तक बढ़ चुकी है कि 25 साल में ही लड़के सीरियस हेयर फॉल फेस कर रहे हैं, जो कि बॉल्डिंग का फर्स्ट स्टेज माना जाता है। एंड सेम हाल फीमेल्स का भी है, मतलब कि बॉल्ड होने के भी स्टेजेस होते हैं जो यूजुअली स्टेज 3 तक फिक्सेबल होता है, यानी आप उसको रिवर्स कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये इंडियंस को पता नहीं होता है या फिर इन सिम्टम्स को इग्नोर किया जाता है। ऐसे भी यही नहीं, कुछ डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि आजकल जेन ज़ी बच्चों के बाल व्हाइट होते जा रहे हैं। 20 साल के आसपास जवान लोगों के बाल सफेद होने लगते हैं। A lot of parents are worried about their young teenagers who are now developing a very common and disturbing problem. They are going prematurely gray. In fact, एक डर्मैट डॉक्टर भुवेश नेरी के हिसाब से उनके पास तो आजकल ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें 13-14 साल के बच्चों को प्रीमेच्योर बॉल्डिंग, व्हाइट बाल और यहाँ तक कि रिंकल्स तक हो रहे हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे तो आजकल ऐसे कई सारे केसेस भी काफी कॉमन हो गए हैं कि शादी हो जाती है एंड फिर मालूम पड़ता है कि हस्बैंड तो बॉल्ड था तो वाइफ उसे डिवोर्स दे देती है। बट ऑन अ सीरियस नोट, ये सारे सिम्टम्स जो मैंने बताए ये वाकई में एक बड़ा कंसर्न है, और अगर इसे सही टाइम पे नहीं रोका गया तो जेन ज़ीज़ जो लिटरली हमारे देश का फ्यूचर है, उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। सो चलो अभी रीजन डिस्कस करते हैं कि व्हाई आर इंडियन जेन ज़ीज़ एजिंग फास्टर और इसे रिवर्स कैसे किया जा सकता है, इसके सॉल्यूशंस क्या है। बॉल्डिंग से ही स्टार्ट करते हैं। एक अलार्मिंग फैक्ट बताऊं, इंडिया के 21 से 25 साल के 33% लड़के बॉल्डनेस के स्टेज 3 में पहुंच भी चुके हैं, विच इज रियली सैड बट फिक्सेबल एक्चुअली अगर सही ट्रीटमेंट्स यूज किया जाए तो। अब आई नो आप बोलोगे कि मैक्सिमम केसेस में तो रीजंस हेरिडिटरी होते हैं, विच इज राइट, लेकिन हेरिडिटरी हेयर लॉस भी तो अभी जल्दी हो रहा है जो पहले 30s और 40s में स्टार्ट होता था। नेक्स्ट रीजन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये मैंने पर्सनली भी फेस किया था जब हम लोग एक न्यू फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। उस न्यू फ्लैट में सिर्फ 2 दिन के अंदर ही मुझे एकदम इंटेंस हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था, क्योंकि फिर मुझे बाद में मालूम पड़ा कि उस न्यू फ्लैट में हार्ड वाटर आता था टैंकर का। एक्चुअली शहरों में ना मोस्टली हार्ड वाटर ही यूज होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे कई सारे हैवी मेटल्स होते हैं जो आपकी स्कैल्प पे ना एक मोटी लेयर बना देते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा इचिंग और स्कैल्प भी बहुत ज्यादा चिपचिपा लगने लग जाएगा और हेयर फॉल भी बढ़ जाता है उस वजह से। अब यूजुअली इसके इलाज के लिए हम सोचते हैं कि हेयर को ऑयल करें, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आजकल मार्केट में जितने भी ऑयल्स आते हैं उसमें से मैक्सिमम बिग ब्रांड्स के ऑयल्स में आपको पैराफिन, हेक्साइल सिनेमिल और बेंजाइल अल्कोहल जैसे हार्मफुल केमिकल्स मिल जाएंगे, जो अगेन आपके स्कैल्प को ड्राई करके उनको इची बना के आपके हेयर फॉल को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप कोई भी ऑयल लेते हो
ट्राई करो कि ये इंग्रेडिएंट्स उनमें मौजूद नहीं होने चाहिए। और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में तो स्पेसिफिकली ऐसे हैवी केमिकल्स और मेटल्स और ज्यादा पाए जा रहे हैं। एक यूएस बेस्ड रिसर्च ने जब इंडियन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को स्टडी किया तब उन्हें उसमें हैवी मेटल्स जैसे कि लेड, आर्सेनिक और मर्क्यूरी तक मिला, विच कैन लिटरली बी लीथल फॉर यू। सो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स डेफिनेटली वर्क, लेकिन इससे 10 times बेटर है कि आप घर ग्रोथी आयुर्वेदिक हर्ब्स यूज करो। जैसे कि मैंने रिसेंटली भृंगराज पाउडर यूज करना शुरू किया था, उससे मुझे तो काफी फर्क पड़ा। फिर आप शिकाकाय, नीलांबरी, एलोवेरा, आमला, ये सारे हर्ब्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, इतने सारे हर्ब्स को जमा करना, उनको कूट कर उनसे तेल बनाना, ये काफी मुश्किल हो जाता है। अब यूट्यूब में आपने देखा रहेगा आजकल मार्केट में आदिवासी हेयर ऑयल भी काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, लेकिन इसमें भी स्कैम्स हो रहे हैं। लेकिन मुझे रिसेंटली नीलांबरी आदिवासी हेयर ऑयल के सियोन धर्मेंद्र जी ने अप्रोच किया था और उन्होंने मुझे अपने काफी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाए और ये भी बताया कि उनका हेयर ऑयल लैब सर्टिफाइड है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद मैं पर्सनली मैसूर भी गई उनसे मिलने के लिए और समझने के लिए कि उनका तेल आखिर बनता कैसा है और क्या वो वाकई में काम भी करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप ऑनलाइन किसी और वीडियो देख के आप एक तेल ऑर्डर करते हो तो आप कैसे फर्क पहचान सकते हो कि वो तेल असली है या नकली है। सो मैसूर के पक्षीराजपुरा गांव पहुंचते ही उन्होंने मेरा काफी वार्म वेलकम किया फुल आदिवासी स्टाइल में। फिर मैं उनकी फैमिली से भी मिली जिसमें लड़कियों का हेयर ग्रोथ तो बहुत ही अच्छा था लेकिन मेल्स का भी हेयर ग्रोथ स्पेशली उनका बियर्ड ग्रोथ भी काफी ज्यादा बढ़िया था। जहाँ से इतना बाल आप देख रहे हो, जो हमारे में ये होता है 7 से 8 महीने का बाल रहता है, साल से 1.5 साल का बाल होता है ये। तो ये लगभग 6 महीने के बाद का हेयर रिजल्ट से ऑलमोस्ट 7 मंथ के अंदर आता है। सो अगर ये तेल का मतलब इतना मैजिकल रिजल्ट्स है तो ये तेल में ऐसा क्या डलता है कि सिर्फ 5 महीने 6 महीने में इतना लंबा ग्रोथ हो जाता है? सबसे पहले मैम इस तेल के अंदर हम 108 प्रकार की जड़ी बूटियां डालते हैं जो कि विशेष प्रकार में बालों के लिए काफी मददगार रहता है, जिनमें भृंगराज रहता है, नीलांबरी रहता है, शिकाकाय, आमला, एलोवेरा, ब्रह्मी, तुलसी, ऐसे वाइल्ड हर्ब्स हम ऑलमोस्ट 108 प्रकार के डालते हैं मैम। मैं सीधा आपको तेल बनाने का सीन दिखा देता हूँ। तो अभी हम लोग मिलके तेल बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, साथ में बनाएंगे। अब ऑनेस्टली ना ये सुन के मैं थोड़ा सा डर गई थी क्योंकि इसके लिए उन्होंने मुझे कहा कि हमें नागरहोले जंगल के आउटस्कर्ट्स में जाना पड़ेगा और मुझे एनिमल्स का थोड़ा सा डर ही लगता है। सबसे पहले नीलांबरी स्पॉटेड, ये भी एक दूसरे टाइप का नीलांबरी ही है। ये भी हमें कर्नाटका के कुछ लोकल हर्ब्स मिले जो भी तेल में यूज होता है। नेक्स्ट उन्होंने अपने फैक्ट्री के आसपास रोज और हिबिस्कस का प्लांट ग्रो करके रखा था जहां से भी हम लोगों ने फ्लावर्स को प्लक किया। कट टू डे 2, हम अगले दिन भी सुबह थोड़े से हर्ब्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। ये पड़ा तेल में ड्राइड एलोवेरा, जटामानसी रूट्स, रोज के पेटल्स और फिर हिबिस्कस का फ्लावर और उसके प्लांट्स भी। इन सारे हर्ब्स को कलेक्ट करके फिर ऐसे ही एक बड़े से पतीले में इन्हें अच्छे से उबाला जाता है ताकि हर्ब्स का सारा न्यूट्रिशन तेल में रिलीज हो सके। सो अभी हम इनके फैक्ट्री से इनके शॉप में आए हैं तो अभी अंदर चल के देखते हैं कि कैसा है शॉप। सियोन जी, जैसे मैंने आपको बोला था कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स अभी ये प्रमोट कर रहे हैं ऑयल, लेकिन अगर उसके बावजूद हमारे घर में एक नकली तेल आ जाता है तो हम कैसे एग्जैक्टली फर्क करेंगे कि असली तेल कौन सा है और नकली तेल कौन सा है? कोई तरीके है जिससे हम पहचान? जी मैम बिल्कुल, जो ओरिजिनल तेल होता है उसको पहचानने के लिए 4 तरीका होता है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है ये फेक प्रोडक्ट है जो आदिवासी के नाम के लेबलिंग होकर प्रोडक्ट यहाँ पे सेल आउट हो रहा है ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। तो ये हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है जो कि आदिवासी नीलांबरी हर्बल हेयर ऑयल होता है। तो यहाँ पे इसका जो मैं आपको पूरा मैं जानकारी दिखाता हूँ, इसका अगर आप रंग देखोगे तो आपको पूरा रेडिश कलर है जो कि ऐसे कलर में प्रोडक्ट नहीं आता है। तो इसमें अगर हम हाथ पे लेते हैं तो इसका आपको दूसरे टाइप में आपको दिखेगा, इसमें पूरा परफ्यूम टाइप रहेगा, इसका फ्रेगनेंस वगैरह आप देख सकते हैं, इसमें फ्रेगनेंस पूरा परफ्यूम्स रहता है और पूरा हाँ। रेडिश रहता है, पूरा पानी टाइप में रहता है। मतलब ये एक हर्बल फ्रेगनेंस नहीं आ रहा है, थोड़ा अलग सा आ रहा है इसका, अलग सा आता है। ये पूरा पानी टाइप होता है मैम, ये देखो पूरा पानी टाइप रहता है। जो ओरिजिनल तेल रहता है वो आपको इस टाइप में दिखता है, गाढ़ापन रहता है तेल में। ये मतलब इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा थिक है। दूसरा तरीका, आई थिंक आप ऑनलाइन स्कैम्स का भी कुछ बोल रहे थे कि जो अमेज़न फ्लिपकार्ट पे जो तेल मिलता है वो नहीं खरीदना है। मैम उसके पीछे के रीजन ये है कि वहाँ पे काफी सारा फेक प्रोडक्ट मिलता है, आदिवासी के नाम से लेबलिंग किया जाता है हमारा प्रोडक्ट का, जो हमारा इमेजेस रहता है फैमिली मेंबर्स का, चोरी कर उस पे फेक प्रोडक्ट सेल किया जाता है। और काफी सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाय वन गेट वन फ्री, सस्ते 500-600 में भी मिलते हैं, तो वो भी स्कैम है, स्कैम होता है। जो आपके प्रोडक्ट का रेट क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट का रेट होता है मैम 1800 का होता है, लेकिन हम आपको 1500 में देंगे जो फर्स्ट टाइम परचेस करते हैं कस्टमर। थर्ड तरीका जो आइडेंटिफाई करने का है वो ये है कि हमें ये भी चेक करना है कि कंपनी ही नकली तो नहीं है पूरी की पूरी। जी बिल्कुल, तो ऐसा भी होता है पूरा कंपनी ही नकली लोग बना रहे हैं?
जी मैम, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो हमारा आदिवासी के नाम से काफ़ी सारे फेक ऑनलाइन कंपनीज बन रहा है, बिना कोई डॉक्यूमेंट चेक किए, बिना आप कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट परचेस मत करो जिससे आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वहाँ पे लैब टेस्टेड है क्या, GST सर्टिफिकेट है ना, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वगैरह कंपनी स्टैब्लिश है क्या, अगर प्रॉपर चेक कर प्रोडक्ट को रिकमेंड कर दीजिए। अपना ये जो प्रोडक्ट है ये लैब टेस्टेड है ऐसा बोल रहे हो? लैब टेस्टेड है मैम। सो चौथी बात आप मुझे बता रहे थे कि काफ़ी सारे जो दूसरे कंपनीज हैं उनके जो मिडल मैन हैं वो भी तेल का प्रॉब्लम स्कैम्स वगैरह करते हैं, मिलावट करते, तो ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है मैम, लेकिन इसमें क्या रीज़न होता है ना, हमारे पास वैसा नहीं होता, क्योंकि जो हमारे पास कस्टमर्स ऑर्डर्स करते हैं उस प्रोडक्ट को हम खुद ही डिलीवरी हब तक हम खुद जाकर स्कैन करवा के डिस्पैच करवाते हैं, इसके कारण से जो मिडल मैन रहता है ना उनके तक हमारा प्रोडक्ट रीच आउट नहीं करता है। अगर वंस आप हमारे पास ऑर्डर करते हो तो हमारे एंड से आपको पूरा प्राइवेसी के साथ ऑर्डर डिलीवर किया जाएगा। सो अगर आप आयुर्वेदिक आदिवासी हेयर ऑयल खरीदना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके या वीडियो कॉल करके या फिर इनकी वेबसाइट www.hakipikcommunity.shop से आप इस तेल को खरीद सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द रीजन कि इंडियन जेंजीज क्यों जल्दी एज हो रहे हैं, सो इसका सेकेंड रीजन है ओबेसिटी। एंड ट्रस्ट में ये एजिंग में इतना बड़ा फैक्टर है ना कि सिर्फ कुछ महीनों में ही मोटापा आपको 10 साल बूढ़ा दिखा सकता है। जरा लड़कियों को देखो, इन दोनों में से यंगर कौन लगती है? लेफ्ट वाली कुछ 25 की लग रही है और राइट वाली 35 की, बराबर। लेकिन एक्चुअली ये दोनों लड़कियां एक ही एज की है, इनफैक्ट वो ट्विंस है। बेसिकली ट्विंस पे की एक स्टडी से पता चला कि एक्सेस फैट डिपॉजिट्स की वजह से फेस पे एक ड्रूपी, एक बल्जिंग सा लुक आता है जो यूजुअली एजिंग के साथ आता है। एंड ओबेसिटी तो इज लिटरली ऑन द राइज इन इंडिया। आज इंडिया में लगभग 1.25 करोड़ जेंजीज ओबेस कैटेगरी में आते हैं। रीजन एक ही, जंक फूड। स्विगी की स्टडी ले लो, उनके हिसाब से पूरे इंडिया के ऑलमोस्ट आधे ऑनलाइन फूड डिलीवरीज जेंजीज ही ऑर्डर करते हैं। अब चाहे आप कोई भी फूड ऑर्डर करो, चाहे वो पिज्जा, वॉफल या एक सिंपल कोल्ड ड्रिंक भी क्यों ना हो, इसमें एक चीज कॉमन है, शुगर, जो कि यूथफुल स्किन के लिए लिटरली एक किलर का काम करता है। शुगर एक्चुअली आपके स्किन में एक कोलाजन नाम का प्रोटीन होता है, जो बाय द वे आपकी स्किन को एक टाइट यूथफुल बाउंस देता है। उसी कोलाजन को ये शुगर मॉलिक्यूल डैमेज कर देता है, जिससे स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है और चेहरे पर रिंकल्स भी जल्दी पड़ने लग जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को ग्लाइकेशन कहते हैं। फिर सेम सोडा ड्रिंक्स और फ्राइड फूड से भी होता है, अगर आप इसे एक्सेसिव क्वांटिटी में कंज्यूम करते हो सोडा को, तो इसमें जो कैफीन होता है वो आपकी स्किन को ड्राई कर देता है, जिससे फाइन लाइंस, रिंकल्स वगैरह पड़ने लग जाते हैं। सेम हाई टेम्परेचर्स पे फ्राइड फूड्स, ये फ्राइड फूड आपके ऑयल में फ्री रेडिकल्स रिलीज करते हैं, जो लिटरली बॉडी में कैंसर तो कॉज कर सकता है, लेकिन नॉर्मल अमाउंट्स में ये हमारे सेल्स को डैमेज तो करता ही है, जिससे स्किन की एजिंग और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट रीजन जिसके वजह से जेंजीज फास्टर एज कर रहे हैं वो है पार्टी कल्चर। अब इस फोटो में आपको कौन सी लेडी एजर दिख रही है? पहली वाली, राइट? एटलीस्ट 10 साल बड़ी लग रही है। बट सेम इधर भी ये दोनों ट्विंस ही है, बस पहली वाली लेडी इसलिए एजर्ड दिख रही है क्योंकि वो ज्यादा टाइम के लिए स्मोक करती थी, जिससे उसकी आंखें ड्रूल कर रही है और उसकी स्किन की इलास्टिसिटी भी कम हो चुकी है। और आजकल जेंजीज में पार्टी कल्चर तो आप जानते ही हो, इतना बढ़ चुका है कि आज इंडिया में 10 से 14 साल के 2 करोड़ बच्चे स्मोक करते हैं और इसी एज ग्रुप के 19% लड़के अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं। अब देखो, स्मोकिंग की बात करें तो हमने कोलाजन देखा था, तो निकोटिन भी इसी कोलाजन को ही अटैक करके स्किन पे रिंकल्स कॉज करता है, स्किन का एक यूथफुल ग्लो कम करवा देता है। लेकिन अल्कोहल के साथ थोड़ा डिफरेंट होता है, वो डायरेक्टली हमारे डीएनए के टेलोमियर्स पे अटैक करता है। नाउ ये जो टेलोमियर्स होते हैं ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक तरीके से हमारे सेल्स को डिवाइड करते रहने में मदद करते हैं, ताकि पुराने डैमेज सेल्स मर जाएं और हेल्दी न्यू सेल्स उन्हें रिप्लेस कर सके। लेकिन अगर यही टेलोमियर ही डैमेज हो जाए ना, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है हमारी बायोलॉजिकल एज पर, हमारे स्किन, हेयर पर, क्योंकि डीएनए तो पूरी बॉडी में सेम ही होता है। नाउ नेक्स्ट रीजन जो कहीं ना कहीं बाकी सभी रीजंस का रूट कॉज भी है, विच इज स्ट्रेस। जैसे मैं आपको बताया था, इंडिया में हर 7 में से एक जेंजी बच्चा डिप्रेशन या फिर कोई ना कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहा है। अब इसके पीछे ऑफ कोर्स कई सारे रीजंस हैं, लेकिन एक रीसेंट रीजन है कोविड पैंडेमिक। संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कुछ रिसर्चर्स के हिसाब से जिन बच्चों का ग्रेजुएशन कोविड के दौरान कंप्लीट हुआ था, तो वो पूरे 2 सालों तक एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रह रहे थे, बट जैसे ही पैंडेमिक खत्म हुआ तो वो एकदम से एक इंटेंस वर्कलोड वाले एनवायरनमेंट में आ गए, जो हैंडल कर पाना काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। सो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आजकल बच्चों में मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। नाउ व्हाई आर जेंजीज एजिंग फास्टर के पीछे जो लास्ट रीजन है, ये मुझे पर्सनली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, विच इज परसेप्शन। यस, एक थ्योरी है जो ये बताती है कि जेंजीज जल्दी एज हो रहे हैं, ये हमारा परसेप्शन भी हो सकता है, और इसके पीछे 2 प्रूफ्स मिल चुके हैं। पहला प्रूफ है मेकअप एज परसेप्शन एक्सपेरिमेंट। गेटिसबर्ग कॉलेज US ने 32 अलग अलग एज ग्रुप की वुमेन के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ने विदाउट मेकअप और मेकअप के साथ फोटोज क्लिक करवाई थी, और उनके इन फोटोज को लाके उन्होंने काफी सारे लोगों को दिखाया था और उनसे कहा था
कि इनकी एज को गेस करो। इस एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ा कि 40 और खासकर 50 साल की जो औरतें होती है वो मेकअप लगाने के बाद सिग्निफिकेंटली यंगर दिखती है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी इसमें ये मालूम पड़ा कि जो 20 साल की लड़कियां थी अगर वो मेकअप लगाती है तो वो ज्यादा ओल्ड दिख रही थी। सो दिस मींस कि आजकल जिस मेकअप को हम अच्छे दिखने के लिए लगाते हैं वो कहीं ना कहीं हमें हमारी उम्र से ज्यादा बड़ा दिखा रहा है। सेकंड प्रूफ ऑफ परसेप्शन डिफरेंस इज जनरेशनल बायस। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कुछ रिसर्चर्स ने एशियन कल्चर्स के बारे में एक हैबिट ऑब्जर्व की कि यहाँ पर आपके मतलब लुक से ज्यादा आपकी उम्र का अंदाजा आपके नॉलेज और आपकी इंटेलिजेंस से लगाया जाता है। मतलब एशियन कंट्रीज जैसे कि इंडिया में ऐसा अज्यूम किया जाता है कि अगर आपकी उम्र छोटी है तो आपको ज्यादा चीजों का नॉलेज नहीं होगा। बट एग्जैक्टली यहीं पे जेन ज़ी बाकी जनरेशन से अलग है। ये जनरेशन लिटरली इंटरनेट एरा में पैदा हुई है, जिस वजह से ये आज इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा सैवी जनरेशन है। सो ये थियरी ये सजेस्ट करती है कि ये भी एक मेजर रीजन हो सकता है कि हमारे बड़े बूढ़े एक 15 साल के लड़के को ऐसे देखते हैं कि अरे कितना जल्दी बड़ा हो गया अगर उसे सिर्फ मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना आता हो या फिर कंप्यूटर चलाना आता हो। तो मतलब आप लोगों को तो याद ही होगा, हमारे और हमसे पहले वाले जनरेशन्स के लिए कंप्यूटर तो लिटरली कंप्यूटर पीरियड में बकायदा सिखाया जाता था बच्चों को, लेकिन आजकल बच्चों को ABCD आए ना है, आईपैड में उनको रील्स देखना बराबर आता है। सो ये सारे रीजंस थे एंड डेफिनेटली एक जनरेशन गैप तो है ही, और इसके काफी सारे फायदे भी हैं। टेक्नोलॉजिकल एज में आजकल हर एक इन्फॉर्मेशन बच्चों के फिंगर टिप्स पे आ चुकी है, लेकिन इसी चीज के काफी सारे नुकसान भी हैं जो कि कम्प्लीटली हमारे ही हाथ में है। रीजंस क्या है, हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसके सॉल्यूशंस क्या है, ये सब हमारे हाथ में है। और इसीलिए मेरे हिसाब से एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना सिर्फ जरूरी नहीं है, वो हमारी ड्यूटी होनी चाहिए अपने आप के लिए, हमारी फैमिली के लिए और हमारे देश के लिए भी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? और हाँ, डोंट फॉरगेट, अगर आप अपने हेयर ग्रोथ के लिए आयुर्वेदिक आदिवासी हेयर ऑयल खरीदना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके या फिर वेबसाइट पे इन लोगों से कांटेक्ट करके या इन लोगों से वीडियो कॉल करके आप उसे खरीद सकते हो। जय हिंद।